हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की, जो खेला जाएगा साउथहैम्पटन के एजेस बॉल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 30 अगस्त को शाम के 6:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी 6 के ऊपर। आप बताओ मुझे कमेंट करके, इस मुकाबले के अंदर सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा। अगर मैं साउथहैम्पटन की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं तो एक काफी अच्छा बैटिंग ट्रैक होने वाला है। यहां पे पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर है 257 रन का। कुल यहां पे 26 मुकाबले खेलेंगे इस मैदान के ऊपर, जहां पे 14 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है और 12 बार चेस करने वाली टीम को जीत मिली है। हालांकि आज के टाइम पे टीमें चेस करना पसंद करती है, इस वजह से जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी इस मैदान के ऊपर। और सबसे मेन बात है, बारिश नहीं आने वाली है, मैदान और आसमान एकदम साफ रहने वाला है इस मुकाबले के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं होम टीम इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की टीम वनडे की वर्ल्ड कप चैंपियन है, हालांकि इस सीरीज में उसके काफी सारे बड़े प्लेयर जैसे जोफ्रा आर्चर, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर ये सीरीज में नहीं खेलने वाले हैं, पर उनके बिना भी ये टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती है पेपर के ऊपर। ओएन मॉर्गन एक बहुत ही कमाल कप्तान है इस टीम के, वनडे के एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, तो वापस से यहां वो अच्छी बैटिंग करना चाहेंगे, उसके अलावा वो अच्छी कप्तानी भी करना चाहेंगे टीम के लिए। वो पहले आयरलैंड की कप्तानी कर चुके, जरूर से ओएन मॉर्गन के लिए एक काफी अजीब मैच होने वाला ये वाला। उसके अलावा बात करता हूं तो जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय की ओपनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली इस मैच के अंदर, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने वाले, तो जरूर से ये दोनों अच्छा खेलेंगे तो आयरलैंड टीम को और इनके लिए हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मोइन अली को वाइस कैप्टन बनाया गया सीरीज, जरूर से मोइन अली की निगाह रहने वाली है। वो एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, उनकी स्पिन बॉलिंग के अलावा वो अच्छी बैटिंग भी करना चाहेंगे इस पूरी सीरीज में। टॉम बेंटन इसमें विकेट कीपर की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, हालांकि सैम बिलिंग्स टीम में लेंगे, मेरे हिसाब से टॉम बेंटन एक अच्छे प्लेयर, उनको इस बार विकेट की जिम्मेदारी मिलती इस मुकाबले के अंदर। अगर मैं बॉलिंग के बारे में बात करूं तो आदिल रशीद स्पिनर होने वाले इस सीरीज के अंदर, बहुत ही कमाल के लेग स्पिनर, काफी कमाल विकेट टेकर, वापस आदिल रशीद के ऊपर बॉलिंग में अच्छा करने की जिम्मेदारी होने वाली है। टॉम करन फास्ट बॉलिंग को लीड करने वाले हैं, टॉम करन ने पिछले 2 साल में काफी अच्छी बॉलिंग करी, उसके अलावा वो काफी अच्छी बैटिंग भी कर देते हैं। पिछली बार वो बिग बैश हाईएस्ट विकेट टेकर, वापस टॉम करन के ऊपर अच्छी बॉलिंग करने की जिम्मेदारी होगी उस मुकाबले में। और इस बार डेविड बिली की टीम वापसी हो चुकी है, डेविड बिली 1 साल बाद टीम में, वो काफी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर है, उसके अलावा वो काफी अच्छी बैटिंग करते, तो मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर डेविड विली को जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में। तो वापस इंग्लैंड के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, हालांकि बड़े प्लेयर नहीं, पर फिर भी इंग्लैंड एक काफी अच्छी टीम लगती है पेपर के ऊपर, जरूर से ये टीम ये मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश जरूर से करना चाहेगी। अगर मैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं, ओपनिंग करेंगे जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, नंबर 3 पे जेम्स वेन्स, नंबर 4 पे ओएन मॉर्गन, नंबर 5 पे टॉम बेंटन, नंबर 6 पे जोई डेनली, नंबर 7 पे मोइन अली, फिर टॉम करन, आदिल रशीद, डेविड बिली और आखिरी मैंगे साकिब महमूद। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम मैग्नेट है, तो जरूर से इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला जीतना चाहिए। टीम में 3 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, तो जरूर से इंग्लैंड की काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होने वाली इस मुकाबले के लिए। अब मैं बात करता हूं अवे टीम आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड ने पिछले वेस्टइंडीज दौरे पे काफी अच्छा खेला था, तो वापस इस सीरीज के अंदर भी वो अच्छा खेलने की पूरी पूरी कोशिश जरूर से करना चाहेंगे। हालांकि टीम ने आखिरी बार इंग्लैंड को 2011 के वर्ल्ड कप में हराया था, उसके बाद से पिछले 9 साल में अब तक उन्हें कोई जीत नहीं मिल पाई है। उस मुकाबले में केविन ओब्रायन ने सेंचुरी मारी, तो केविन ओब्रायन ने अभी प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी मारी, तो वापस से केविन ओब्रायन के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली, वो कैसा खेलेंगे इस मुकाबले में। कप्तान एंड्रू बिलबर्नी काफी अच्छे बैट्समैन और नंबर 3 के ऊपर खेल, तो जरूर से वो टीम की बैटिंग को अच्छे से लीड करने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेंगे। पॉल स्टर्लिंग को वाइस कैप्टन बनाया गया टीम का, पॉल स्टर्लिंग एक अच्छे ओपनर, उसके अलावा वो इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेलते हैं, इस वजह से भी पॉल स्टर्लिंग जरूर से इस मुकाबले में अच्छी बैटिंग करने की पूरी पूरी कोशिश जरूर से करना चाहेंगे। इस मुकाबले में 2 प्लेयर्स में डेब्यू मिल सकता है, पहला नाम होने वाला है उसमें हैरी टक्टर का। हैरी टक्टर एक काफी अच्छे मिड ऑर्डर के प्लेयर, काफी तेज खेलते हैं वो, अब तक 20 T20 खेल चुके, पर यहां पर वनडे डेब्यू करने का मौका मिला। मेरे हिसाब से हैरी टक्टर एक बहुत ही कमाल के बैट्समैन होने वाले इस मुकाबले में। उसके अलावा कर्टिस कैंपर एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है, नंबर 6 से बैटिंग करते हैं, उसके अलावा उनकी बॉलिंग काफी अच्छी, तो मेरे हिसाब से इस मैच में हैरी टक्टर को और कर्टिस कैंपर को डेब्यू करने का पूरा पूरा मौका मिलने वाला है। बॉलिंग में बॉयड रैंकिन में सबके निगाह रहने वाली है, बॉयड रैंकिन एक काफी कमाल के प्लेयर है, काफी अच्छे विकेट है, मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर बॉयड रैंकिन अच्छी बॉलिंग जरूर से करना चाहेंगे। एंड्रू मैकबर्नी टीम में स्पिनर होने वाले हैं, वो काफी स्पिन बॉलर, काफी एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से मैकबर्नी के ऊपर
टीम की स्पिन की जिम्मेदारी होने वाली है। सिमी सिंह भी काफी अच्छे ऑलराउंडर वापस इस मैच के अंदर भी, सिमी सिंह अच्छी बैटिंग करना चाहेंगे, उसके अलावा सिमी सिंह की बॉलिंग भी काफी अच्छी होने, और उसके साथ हम क्रेग यंग भी काफी अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकर, प्रैक्टिस में अच्छी बॉलिंग करके, तो आयरलैंड के पास भी एक काफी डिसेंट सा स्क्वाड है, ये टीम में जरूर से यहाँ पे अच्छा मुकाबला करना चाहेगी। विलियम पोर्टरफील्ड भी काफी अच्छे बैट्समैन नंबर 4 के ऊपर खेलते हुए, वो भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर होने वाले हैं। अगर मैं आयरलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं तो टीम के लिए ओपनिंग करेंगे पॉल स्टर्लिंग होगा, गैरेट डेलानी, नंबर 3 पे एंड्रू बेलबर्नी, नंबर 4 पे विलियम पोर्टरफील्ड, नंबर 5 पे हैरी टैक्टर, नंबर 6 पे केविन ओब्रायन, नंबर 7 के ऊपर कैंपर, फिर आपके आते हैं सिमी सिंह, बॉयड रैंकिन, एंड्रू मैकबर्नियो, क्रेग यंग, तो ये टीम होने वाला आयरलैंड की। आयरलैंड के पास ही काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और ये टीम ये मुकाबले में कॉम्पिटिशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। आप बताओ मुझे कमेंट करके मुकाबला कौन जीतने वाला है, आयरलैंड मुकाबला जीते वो टीम होगी इंग्लैंड की, आप बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम आने वाली है कुछ टीम के ऊपर। अगर मेरे प्रिडिक्शन के बारे में बात कर दो, ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड पलटा भरेगा इस मुकाबले में, भले बड़े प्लेयर ना खेलो पर फिर भी इंग्लैंड के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और मेरे साथ वो मुकाबला जीतेंगे और सीरीज में आगे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद लाइक जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।